सो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच आपको सिलेक्ट करना है इन चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है गैस वेक्यूल्स, इसके आगे लिखा गया है ग्रीन बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास है लार्ज सेंट्रल वेक्यूल, इसके सामने लिखा गया है एनिमल सेल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके सामने प्रोटिस्टस, इसके सामने लिखा गया है यूकेरियोट्स। ऑप्शन नंबर फोर मिथेनोजेंस, इसके सामने लिखा गया है प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन नंबर फोर की बात करें, यस ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो मिथेनोजेंस हैं वो बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट्स यानी किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनेरा से। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रोटिस्टस हैं ये यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोट्स में आपके चार किंगडम्स हैं, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा एंड आपका किंगडम फंजी। सो ये चार किंगडम्स आपके यूकेरियोट्स हैं और किंगडम मोनेरा आपका प्रोकैरियोट्स हैं। सो ये दो ऑप्शंस ठीक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये ऑप्शन भी ठीक है, गैस वेक्यूल्स, इसका आ जाएगा ग्रीन बैक्टीरिया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, यही मिसमैच है। लार्ज सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, ना कि एनिमल सेल्स में। सो यही मिसमैच है, यही इसमें गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है। एस सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज़, ऑप्शन है आपके सामने लाइसोसोम, उसके बाद है माइक्रोसोम, उसके बाद है राइबोसोम, उसके बाद है मीजोसोम। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वेक्यूल्स आर, ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी जैंथोफिल, ऑप्शन थ्री क्लोरोफिल, ऑप्शन फोर कैरेटिनाइड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर वन, डेट इज एंथोसाइनिन इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट वेक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स आर, ऑप्शन ए आपके सामने सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन बी आपके सामने फॉर्मड बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पर फिर आपके साथ चार ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर का, वो है ऑप्शन नंबर फोर, डेट इज़ ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होती हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सॉरी जो यहाँ पर पॉइंट नंबर बी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट इसने दिया है। ओके, ये फॉल्स स्टेटमेंट इसने दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव आप यहां पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव यहां पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर एनवलप, ऑप्शन सी है यानी ऑप्शन थर्ड राइबोसोम्स, ऑप्शन फोर आपके सामने है मीजोसोम्स। सो क्वेश्चन नंबर फाइव इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर टू, डेट इज न्यूक्लियर एनवलप, या आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यूकेरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, राइबोसोम्स भी आपको दोनों में मिलेंगे 70S एंड 80S, मीजोसोम्स भी आपको दोनों में मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप यहां पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन ए मीजोसोम, ऑप्शन बी वेक्यूल, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है राइबोसोम्स, ऑप्शन फोर लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस, ओके राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मीजोसोम वेक्यूल एंड लाइसोसोम की बात करें, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, यहाँ पर आपको बोलना है इन चार स्टेटमेंट्स में से ऐसा कौन सा सेट है जहाँ पर आपको मेम्ब्रेन दिखेगा। सो यहाँ पर अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने बात की कि राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सो आप ऑप्शन नंबर फोर में भी राइबोसोम देखोगे, ऑप्शन नंबर थ्री में भी राइबोसोम देखोगे, ऑप्शन नंबर टू में भी राइबोसोम देखेंगे। सो ये तीन ऑप्शन
इसके इनकोरेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइसोजोम है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, गॉल्गी अपैरेटस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ पर अगर हम न्यूक्लिया की बात करें, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्रोमोजोम्स की अगर हम बात करेंगे, क्रोमोजोम्स आपको मिलेंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ओब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड हैं, यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लिया है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने है, कॉलम वाला क्वेश्चन है, कॉलम को आपको जोड़ना है। यहाँ पर दिया गया है थैलोकॉइड्स क्रिस्टे सिस्टर्नी क्रोमेटिन। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्शेप्ड सेक्स ऑफ गॉल्गी अपैरेटस कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फ्लेट मेम्ब्रेनस सेक इन सिट्रोमा इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पर जो अगर हम क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन इसका यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाएगा इसका। अगर हम थैलोकॉइड्स की बात करें, थैलोकॉइड्स आपके सिट्रोमा में मिलेंगे फ्लेट मेम्ब्रेनस सेक्स इन सिट्रोमा। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें, ओके सिस्टर्नी की बात करें और आपके क्रिस्टे हैं, इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। सो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ओके ऑप्शन नंबर 4। सो जो क्रिस्टे हैं ये आपके इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ओके और जो आपके सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी आपको डिस्क शेप्ड सेक्स ऑफ गॉल्गी अपैरेटस हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बाल्बियानी रिंग्स आर साइट्स ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सेकंड है लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन थर्ड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ऑप्शन 4 पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस। सो क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है स्टो मेटल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी थैलोकॉइड ल्यूमिन, ऑप्शन 3 फोटोसिस्टम फर्स्ट, ऑप्शन 4 फोटोसिस्टम सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टोमेटल मैट्रिक्स, जो स्टोमेटा में मैट्रिक्स होता है उसमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आप देख सकते हो, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। सो न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आप देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने पॉलीसोम, ऑप्शन सेकंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ऑप्शन थर्ड साइनोफाइसिनियल ग्रेन्यूल, ऑप्शन 4 ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। सो क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इट इज पॉलीसोम, आपके सामने यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देख सकते हो, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड क्लोज टू वन एंड आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सेकंड मेटासेंट्रिक, ऑप्शन थर्ड एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन 4 टीलोसेंट्रिक। सो क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट इज एक्रोसेंट्रिक। सो द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड टू वन एंड आर एक्रोसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, एसोमेटिक सेल डेट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कम्पेयर टू गमीट ऑफ द सेम स्पीशीज हैज। सो यहाँ पर सोमेटिक सेल हैं, कंप्लीट क्या है एस फेज, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हुई होगी, डीएनए सिंथेसिस हुई होगी, क्योंकि एस फेज यानी सिंथेटिक फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती हैं। सो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। सो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की बात हो रही है और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात हो रही है, और आपको पता है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सो आपको बोलना है कि एस फेज के बाद इस सेल में क्या हुआ होगा, डीएनए कितना होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ऑप्शन थर्ड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ऑप्शन फोर ट्वाइस
दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फोर टाइम्स दी अमाउंट ऑफ डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, डेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्रोमोसोम्स दुगने होते हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए ये इनटू 4x होता है, डीएनए 4 गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आप देख सकते हो विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बैक्टीरिया हैं यानी प्रोकैरियोट्स हैं इनमें आपको पता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होती हैं। सो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन कौन निभाता है? ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियोइड, ऑप्शन सेकंड राइबोसोम, ऑप्शन थर्ड सेल वॉल, ऑप्शन फोर मीजोसोम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, डेट इज मीजोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया इन प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम वाला क्वेश्चन है और इसमें हमने कॉलम्स एक दूसरे के साथ जोड़ने हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेंट्रियोल हैं, क्लोरोफिल हैं, क्रिस्टे हैं, राइबोजाइम्स हैं। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सो अगर हम सेंट्रियोल की बात करें इसका आ जाएगा 3, ओके सॉरी 3 इसका आ जाएगा 4, ओके ये 1, 2, 3 हैं, इसने लिखा है 1, 2, 2, 3, ये आ जाएगा 4, ओके इसने गलत लिखा है, ये आ जाएगा 3 मीन्स न्यूक्लिक एसिड और थैलोकॉइड सेकंड है और इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट हैं। सो इसने यहाँ पर लिखा था 1, 2, 2, 3, सो 3 आ जाएगा ये वाला और ये वाला फोर्थ वाला। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से। जैसे हमने बोला सेंट्रियोल इसका आ जाएगा ये वाला, बेसल बॉडीज, सीलिया और फ्लेजिला। क्लोरोफिल की बात करेंगे क्लोरोफिल आपका आ जाएगा अपने में ही, दैट इज थैलोकॉइड्स। क्रिस्टे की अगर हम बात करेंगे क्रिस्टे इसका आ जाएगा जैसे हमने उस वाले में भी बात किया था इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया और जो सिस्टर नहीं है उसका आया था गॉल्गी अपैरेटस। राइबोसोम्स की बात करेंगे इसका आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड्स। सो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने हैं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है इज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनली, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, ऑप्शन फोर आपके सामने है इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, डेट इज इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती हैं आपको पता है कि ट्रांसलेशन हम किसको कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को, जब प्रोटीन्स बनते हैं, एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, एंड जो लिपिड्स की ग्लाइकोसाइडेशन होती हैं। सो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का इसमें मेजर रोल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।